नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में जलदाय विभाग में भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट चल रही है। दो तीन बार नोटिफिकेशन आ चुका है और विधानसभा में ये चीज़ें लिखित में हो चुकी है। उसका अपडेट हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था। भर्तियों से संबंधित सूचनाओं के लिए अपडेट रहना है तो हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब न्यूज़पेपर में भी आया है तो एक विश्लेषण हम इस भर्ती का करेंगे। भर्ती क्या संभावित है, किन किन पदों की इसमें संभावना रहेगी, क्या सिनेरियो बन रहा है और भर्ती की डिमांड आई कैसे, इस भर्ती में क्या क्या संभावनाएं नज़र आ रही है, पूरी चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माई डियर, ये जो आप कटिंग देख रहे हैं ये न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें 9 से 10 हज़ार तक तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती की संभावना जताई गई है। अति शीघ्र भर्ती होगी। दरअसल पहले तो बात करें कि ये है क्या, अपडेट दिया किसने और कहां से अपडेट आई है, तो मैं आपको बताऊं, न्यूज़पेपर में ये जो चीज़ें आई है ये प्रशासन के साथ जो वाटर वर्क्स का संयुक्त मोर्चा, एक तरह से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई जो कर्मचारी और अधिकारी है उनका एक संगठन है। क्यों संगठन बना है, क्यों डिमांड हुई है, इस पर मैं आपको कुछ डिटेल देना चाहता हूं। हालांकि आपने देखा होगा लिखित में जो विधानसभा वाली जो अपडेट आई थी, तो लिखित में जब चीज़ें होती है तो उनका कहीं ना कहीं कोई सोर्स ज़रूर होता है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले चलता हूं और वहां से हम अपडेट को लेते हुए आएंगे। फिर ये देखेंगे कि भर्ती की संभावना कितनी है, पद किस किस के कितने आने की संभावना है। देखो कुछ दिन पहले ना एक अपडेट आया था। क्या अपडेट आया था, JJM का, जनता जल मिशन का, और जो वाटर वर्क्स जिनके अधीन दिया गया है, इन सब को मिला करके एक नया MOM हुआ था, आपको शायद याद नहीं होगा, ठीक है ना, मेमोरेंडम बोलते हैं या यूं कहें कि कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और इसके तहत ना जल निगम बनाने की योजना की गई थी। जैसे अपने अभी वास्तव में क्या होता है कि वाटर बोर्ड वक्त जो है ना पूरी तरह से सरकारी है, वाटर बोर्ड निगम नहीं है अभी भी। मैं आपको बताऊं, निगम और राज्य सरकार में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अपनी बिजली कंपनी है राजस्थान की, तो बिजली कंपनियाँ 500 की 500 निगम है एक तरह से, यानी निगम के अपने कुछ रूल, अपने कुछ टर्म कंडीशंस होती है। पहले राज्य सरकार कोई आदेश निकालती है, फिर निगम अपने आदेश निकालता है। तो जल निगम बनाने के लिए हुडको के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, शायद आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। मतलब एक तरह से तो हम इधर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे और इधर ये निगम बना करके एक तरह से, मतलब बोर्ड का निगम बनना ये चीज़ थी। तो जो लगे हुए कर्मचारी और अधिकारी है उन सब ने इस चीज़ का विरोध किया था। और आपको पता हो तो न्यूज़पेपर में लगातार अपडेट आई थी, ठीक है, कि जल निगम नहीं बनाने देंगे, उड़को को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो नहीं देंगे, मतलब वहाँ से पैसे भी लेकर के निगम बना करके उनको O&M पूरा सौंप रहे थे, है ना, वाटर वर्क्स का ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो उस चीज़ का ये विरोध कर रहे थे। अब विरोध किया तो इन्होंने छुट्टियाँ भी ली, सारे हड़ताल पर चले गए। तो जब ये हड़ताल पर जाते हैं ना तो प्रशासन से इनकी वार्ता होती है, ध्यान से सुनिएगा, वार्ता होती है। तो संयुक्त मोर्चा का अपना एक मांग पत्र यानी डिमांड चार्टर होता है और उस डिमांड चार्टर में डिमांड होती है, कितनी मुख्य मांगे थी, अब मैं आपको ये बताऊं। तो इनकी ना कम से कम 20-21 मांगे थी, ये रही 21 सूत्रीय मांग पत्र था इनका, ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सिंपल नहीं था। और उसमें से एक मांग ये थी कि नई भर्ती की जाए। अब देखो दो बड़ी बातें हैं यहां पर, मैं आपको बताऊं, नई भर्ती की डिमांड अंदर से उठना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और उस पर फिर भर्ती होना बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से पॉसिबल होता है, बहुत ज़्यादा हद तक संभव होता है, यानी वैकेंसी आने की अब प्रबल संभावनाएं हैं, फुल संभावना हो गई अब ये मान लो। क्योंकि पहले देखो वाटर वर्क्स में, क्योंकि बजट में कोई घोषणा नहीं हुई थी, आपको पता हो शायद, बजट के बाद मैंने एक अपडेट दिया था कि इसमें JJM में क्या चल रहा है। मैंने कहा कि अगर 50,000 भी वैकेंसी आती है तो भी ITI वालों के लिए कम है, यहाँ पर इतने पद खाली है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी यहाँ पर 1990 में हुई थी,
इसके बाद ना तो बाहर से डिमांड हुई ना अंदर से, दूसरी बात बाहर वाली डिमांड इतनी काम नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं आपको बताता हूँ। जनरली हमने ये देखा है कि बाहर से जो डिमांड की जाती है ना, वो उस संबंधित विभाग के मंत्री से हम करते हैं, या फिर सीधे मंत्री से ज़्यादा किसी डिपार्टमेंट में भर्ती करने के लिए उस डिपार्टमेंट के अधिकारी सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर अधिकारी चाहेंगे तो वो एक नोट शीट बनाएंगे और सरकार के पास भेजेंगे, अप्रूवल मिलेगी, एक बार नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिलेगी, दो बार नहीं मिलेगी, तीसरी बार मिलेगी, तीन चार पांच बार नहीं मिलेगी तो दसवीं बार ज़रूर मिलेगी। क्या 1990 से लेकर आज तक सरकार हर भर्ती को खारिज करती गई थी? नहीं, इन्होंने कभी सरकार के पास डिटेल भेजी नहीं। तो विभाग के अधिकारी ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, वो अगर कहेंगे ना कि इतने हमें कर्मचारी चाहिए तो सरकार, हाँ सरकार कटौती कर सकती है। जैसे अधिकारी एक लिस्ट बना करके भेजे कि हमें ये 20,000 कर्मचारियों की नई भर्ती करनी है, तो हो सकता है कि सरकार इसको कह दे कि 12,000 की कर लो एक बार, ये हो सकता है। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इनसे ज़्यादा ये होते हैं, मैं बताऊँ आपको, ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये जो डिमांड चार्टर है ना, इस डिमांड चार्टर में यही चर्चाएं हुई हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि जी हम परेशान हो रहे हैं, स्टाफ है नहीं, नई भर्ती कीजिए। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम नई भर्ती भी कर देंगे, ठीक है। 9,000 से 10,000 पदों पर नई भर्ती आने की संभावना है। तो मैं अब आपको बताता हूँ हमारे लिए संभावित पद कौन कौन से है, किस किस को यहाँ पर मौका मिलेगा। देखो भाई, अगर मैं ट्रेड को लेकर के चलूँ ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाले को भी मौका मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के साथ साथ यहाँ पर फिटर वाले का भी ऑप्शन रहेगा। काम इनका क्या होगा वो मैं बता दूंगा। प्लम्बर आईटीआई का यहाँ पर बड़ा ऑप्शन या रोल रहेगा। मोस्टली तो आप इन तीन को ही मानकर चलें। इसके अलावा नॉर्मल भर्ती भी आएगी, 10th पास, जिसका नाम होगा मीटर रीडर, एक तरह से इलेक्ट्रीशियन के नाम से आएगी इलेक्ट्रीशियन की, फिटर के नाम से आएगी फिटर की, प्लम्बर के नाम से आएगी प्लम्बर की। एक कॉमन पोस्ट और आ सकती है जिसका नाम होगा पंप ऑपरेटर। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, वाटर वर्क्स में लगभग 5-6 के आसपास पद आईटीआई वालों के मोस्टली है, और बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तब हमें अपडेट मिल जाएगा। कब तक आएगा देखो, इस पर तो कोई चर्चा की नहीं जा सकती, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है ऑफिशियल्स क्या चाहते हैं, सरकार का रवैया कैसा है, उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। और हमारे लिए पॉजिटिव बात यह है, सबसे बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात यह है कि अगर मैं अगर लगा रहा हूँ, यदि एक बार ये भर्ती आ जाती है, क्योंकि देखो मांग पत्रों में क्या 21 मांग होती है, अब 21 मांगों में अगर दो पर भी सहमति बन जाती है या पूरी हो जाती है ना, तो संगठन को धरना हटाना पड़ता है, उन पर दबाव इस तरह के आते हैं, क्योंकि कर्मचारी है तो लगे हुए ना। अगर वैकेंसी आ जाती है हमारे लिए, इस क्लिप को चाहे तो आप काट कर रख लीजिए, भविष्य के लिए ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं कहता हूँ अभी 9-10 हज़ार की जगह अगर 5,000 भी आ जाए तो बहुत है, क्योंकि रास्ता खुल जाएगा और फिर समय समय पर भर्तियाँ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जैसे ही नई वैकेंसी आएगी ना, तो स्टाफ किसको दोगे यार, 10,000 में क्या होगा? इतना बड़ा राजस्थान है, इसमें 10,000 कर्मचारी ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर होंगे। फिर सब मांगेंगे कि मुझे भी नया स्टाफ दो, मुझे भी नया स्टाफ दो, मुझे भी नया स्टाफ दो, तो फिर भर्ती अगले साल या नेक्स्ट वैकेंसी आने की और जल्दी संभावना बढ़ जाती है। ये मैं अनुभव के आधार पर चीज़ें बता रहा हूँ आपको। इसके पीछे कारण क्या है, जैसे कि हम उत्पादन देख रहे हैं, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में वर्ष 2012 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। चलो 13 मान लेते हैं, 13 में मतलब एक वैकेंसी हुई थी, लेकिन उसमें से सूरतगढ़ थर्मल के लिए कोई वो पद नहीं थे। हालात ये है कि जहाँ एक सिस्टम पर दो दो टेक्नीशियन हुआ करते थे, वहाँ एक टेक्नीशियन के पास तीन तीन या तो सिस्टम संभालने को मिल रहे या फिर सिस्टम पर है ही नहीं। जब कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है तो संबंधित अधिकारी से पूछा जाता है कि ये ऐसा क्यों हो गया, या इस वक्त आपका टेक्नीशियन कहाँ था, तो उनका रिस्पॉन्स आता है कि मेरे पास टेक्नीशियन है ही नहीं, ये मेरा सिस्टम खाली पड़ा था, यहाँ टेक्नीशियन है ही नहीं, तो इसलिए ये नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें अब अंदर से उठती है, इसलिए मैं बोलता आया हूँ कि उत्पादन निगम में जो 680 पद है ना, इन पर पूरी संभावना है, कब जारी कर दे क्या कर दे। हालांकि यहाँ भी कुछ अधिकारी, मैं कहूँ
पर वही चीज़ें हैं कि रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है ना, बड़े लेवल के अधिकारी क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर देखो, भर्ती की पूरी चांसेस दिए हैं, मतलब वैकेंसी अगर आती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, भले एक बार कम पदों पर आ जाए, 9-10 हज़ार आ रही है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया पद होंगे और आगे के लिए रास्ता खुल रहा है, ये अच्छी बात है। आने की संभावना इसलिए कि अंदर से मांग उठ रही है, जो एग्जिस्टिंग कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि हम परेशान हुए पड़े हैं, लोड बहुत है, दीजिए हमें, तो भर्ती की संभावना जो है वो, चांसेस जो है वो वैसे बढ़ जाते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर, प्लम्बर, इन सब के लिए पंप ऑपरेटर और इनके अलावा मीटर रीडर, ये 5 पोस्ट मुझे लगता है कि रहेगी जिन पर भर्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, पंप ऑपरेटर के लिए 10+ ITI कॉमन रहेगी, कोई भी भरो, ये अपने अपने ITI के होंगे तीनों, और मीटर रीडर मुझे लगता है 10th पास के लिए होगा। बट आए तो सही, वो तो बाद की बात है, सिनेरियो ये है कि वैकेंसी की क्या रूपरेखा है। रूपरेखा बड़ी शानदार है, अंदर से मांग उठ रही है इसलिए आने की संभावना है। विधानसभा में जब बजट सत्र चल रहा था तो लिखित में दे चुके हैं, उसका अपडेट हमने टेलीग्राम पर आपको डाला था, शायद आपने देखा होगा। और अब जब धरना प्रदर्शन चल रहा होता है तो उस दौरान ये मांगे मान ली जाती है। अपडेट इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, आपकी क्या विचार है ये ज़रूर हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।